तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अब तक का सबसे सरल तरीका पिज्जा बनाने का। और सबसे खास बात है कि पिज्जा बनाने के लिए ना तो हमें आटा गूंदना है और ना ही इसको बेलना है, और इसका भी हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। पिज्जा को सिंपल तरीके से बनाने में ये एकदम अलग तरीका है और ये तरीका आप सभी को बहुत पसंद भी आएगा। तो आज हम बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर और टेस्ट वाला एकदम असली पिज्जा बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर चलिए मार्केट जैसा चीज बस्ट पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा साइज का प्याज जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक गाजर, इसको भी हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, एक शिमला मिर्च को भी हम छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे। एक बड़ा साइज का टमाटर जिसके मैंने बीज को हटा दिया है और उसको इस तरीके से कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न, साथ ही हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटी हरी मिर्च, साथ ही हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच ऑरिगेनो, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल नमक ऐड करेंगे, तो लगभग मैं यहाँ पर एक चौथाई छोटी चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दो छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज और सब्जियों को हमने इस तरीके से कट करके डाला है, आप चाहें तो इनको किसी भी शेप में कट करके डाल सकते हैं, इनको छोटा या बड़ा किसी भी साइज में आप कट कर सकते हैं। आपको पिज्जा में जो भी सब्जियां पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इन सब्जियों को इसमें डाल लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो कंटिन्यूसली हम इनको चलाते हुए तेज आंच पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे और 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इनको एक साइड में रख देंगे। अब हम एक कटोरी में 2 से 3 बड़ी चम्मच बटर लेंगे। तो बटर हमें यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लेना है, यानी बटर को आप फ्रिज से 1 से 2 घंटे पहले ही निकाल कर रख लें जिससे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब हम एक खल्लड़ लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से कोट लेंगे। हमें दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक कूटना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर तैयार है। अब जो हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है उसको हम बटर में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच ऑरिगेनो। अब हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें बटर को इसमें अच्छे से मिला लेना है। तो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसको साइड में उठाकर रख देंगे। अब हम एक कटोरी में 1/2 टेबल स्पून पिज्जा सॉस लेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस और इसमें भी हम थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पिज्जा के लिए हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज की ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर ऐसी ब्रेड ली है जो स्लाइसिस में कट नहीं है, तो हम यहाँ पर एकदम फ्रेश ब्रेड लेंगे। आप इस तरीके से एक बार इस पिज्जा को बनाकर जरूर देखें। तो अब हम इस ब्रेड को चाकू की सहायता से इस तरीके से 2 पीसेस में कट करेंगे। यहाँ पर हमें एकदम ताजी ब्रेड का ही यूज करना है, तो मैंने इसको 2 पीसेस में कट कर लिया है। इसके एक हिस्से को साइड में उठाकर रख देंगे। अब हम इसके एक हिस्से पर इस तरीके से बीच में कट लगाएंगे और इस तरीके से हम इसमें एक रेक्टेंगल का शेप बना लेंगे। फिर हम इसको इस तरीके से बीच से कट करेंगे और इसके बीच वाले पोर्शन को इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से आराम से हम इसके बीच वाली ब्रेड को निकाल देंगे। बस ध्यान रखिएगा बेस हमारा थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। तो ये देखिए बीच वाली ब्रेड कितनी आसानी से निकल आ रही है। बस हमें यहाँ पर नीचे वाले बेस को ज्यादा पतला नहीं रखना है, यानी हमें इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो दोनों ब्रेड्स के हमने बीच वाले हिस्से को खाली कर लिया है। अब हमने जिंजर गार्लिक और बटर का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको इस पर इस तरीके से लगा लेंगे। इसको हम ब्रेड पर अच्छे से लगाएंगे और इसके चारों साइड्स पे भी हम बटर को अच्छे से लगा लेंगे और इसको पलटते हुए हम इसके नीचे वाली साइड पर भी बटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से लगा लेंगे। तो इस प्रोसेस को करना बहुत जरूरी है। अब हम इसके बीच में पिज्जा सॉस और टोमेटो सॉस को भी लगा लेंगे। इसको भी हमने पहले बनाकर तैयार कर लिया था, तो सॉस अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा लगा सकते हैं। अब हम एक चीज स्लाइस लेंगे और इसको इस तरीके से इसके बीच में रखेंगे और दूसरी चीज स्लाइस को भी हम इस पर इस तरीके से रख लेंगे। अब हम इस पर मोजरेला चीज की एक लेयर बनाकर तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़े से चीज का ज्यादा ही यूज कर रही हूँ। अब जो हमने अपनी सब्जियाँ तैयार की थी उनको इस पर इस तरीके से फैला लेंगे। तो सब्जियाँ आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब हम फिर से एक चीज स्लाइस लेंगे और इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे और इनको हम इस तरीके से इस पर रख लेंगे और फिर से हम इस पर थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे। फिर से हम थोड़ा सा मोजरेला चीज इस पर डालेंगे। इस तरीके से एक बार इसको बनाकर जरूर देखें, आप बाहर का पिज्जा खाना भूल जाएंगे। अब एक बार फिर से हम सब्जियां अपनी इस पर डालेंगे। अगर आपको पिज्जा में सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें सब्जियों का कम यूज कर सकते हैं। अब हम एक बार फिर से चीज की एक सीट लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। दूसरी चीज स्लाइस को भी हम इस पर इस तरीके से रख लेंगे।
फिर से हम मोजरेला चीज़ इस पर इस तरीके से रखेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा सजा सकते हैं, इस पर थोड़ी सी सब्जियां हम इस तरीके से रख देंगे। इस पिज्जे का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। अब हम इस पर चिली फ्लेक्स स्प्रंकल कर लेंगे और ऑरिगेनो भी हम इस पर स्प्रंकल करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा पिज्जा बेक होने के लिए तैयार है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पिज्जा भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम दोनों पिज्जों को बेक करेंगे। हम इसको ओवन की सहायता से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप इसको 15 मिनट के बाद चेक कर लें, क्योंकि हर ओवन की क्वालिटी अलग अलग होती है। इस पिज्जा की खासियत है कि आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं, मेरा तो पिज्जा सीखकर तैयार है। तो ये देखिए लग रहा है ना कितना यम्मी, जिसको देखते ही खाने का मन हो जाए। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, है ना एकदम चीजी। तो अगर आपने इस तरीके से पिज्जा बनाकर देख लिया ना, तो आप मार्केट का पिज्जा खाना भूल जाएंगे। और आपने देखा इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और आप देख सकते हैं कि चीज भी इसमें कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।